गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहित अरोड़ा एंड टुडे वी आर डिस्कस टॉपिक 5 क्वालिटी एश्योरेंस कोडेक्स स्टैंडर्ड एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड प्रमोशनल एक्टिविटी. ओके, इन टुडे ग्लोबल मार्केट क्वालिटी एंड फूड सेफ्टी गिव ए कंपेरेटिव एज. जस्ट 1 मिनट, थोड़ा स्केच ले लूँ. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन के अंदर कह रहे हैं जो टुडे जो ग्लोबल मार्केट है और फूड सेफ्टी कंपिटिटिव एज है ऑफ द इंटरप्राइजेज producing processed food and providing services. Okay, apart from domestic standard of food for food product, ठीक है, जो domestic standard है, जो processed and management particles codex prescribe international standard for safety and quality of food as well as code of good manufacturing practices. ठीक है, good manufacturing जो practice होगी which are accepted worldwide. ठीक है, जिसे worldwide accept किया जाता है. Further equal emphasis is required to be according to R&D activity for development of innovative products and cost effective process and efficient technology for food processing sectors. Okay, this scheme for food safety codex and R&D has been successful in making a dent in this area in the country. Scheme comprises the following components jo hain, theek hai. फर्स्ट पॉइंट है सेटिंग अप या अपग्रेडेशन ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी. अपग्रेडेशन ऑफ फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी, और ठीक है, ये मैक्सिमम ग्रांट जो देते हैं 2.5 करोड़ पर प्रोजेक्ट मिलता है, जो ग्रांट दी जाती है. 22 प्रोजेक्ट जो अपने डिसाइड किए गए हैं 11th 5-year प्लान के अंदर, वो तो चला गया, खैर बीत चुकी है. ठीक है, बाकी सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही तुम्हें याद रखना. ठीक है, HRD ये अपने करनी नहीं, HRD वाली अपने सिलेबस में नहीं है. 7 है अपना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट एंड विद इंटरनेशनल रिप्यूट. ठीक है, तो इस अपने जो स्कीम की बात करेंगे, जो क्या है स्ट्रेंथिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो स्ट्रेंथिंग पर बेस है. ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एज इज ए वर्ल्ड क्लास R&D. R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, वैसे मिनिस्ट्री है हमारी. जो मिनिस्टर कौन है, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर कौन है, डॉक्टर हरसिमरन कौर बादल जो है वो हमारी फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है. ठीक है, तो याद रखना. द मैंडेटरी एक्टिविटीज़ ऑफ IICPT आर टीचिंग रिसर्च एंड आउटरीच एक्टिविटी इन पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग. ओके, प्रिजर्वेशन एंड वैल्यू एडिशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स. ठीक है, प्रिजर्वेशन करना और उसका रेगुलेशन करना. IICPT, ठीक है, IICPT का मतलब क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रॉप प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी एंड इट्स साइंटिस्ट आर एक्सपर्ट ऑन देयर ओन फील्ड ऑफ रिसर्च. मतलब अलग अलग फील्ड के अलग अलग साइंटिस्ट हैं. IICPT हैज़ क्रिएटेड इट्स मेन कैंपस एंड थंजावुर वर्ल्ड क्लास रिसर्च लेबोरेटरी फॉर कंडक्टिंग रिसर्च इन डिफरेंट एरिया ऑफ फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी. ठीक है, इतना ही करना है, बाकी नहीं करना है. ठीक है, तो ये तुम्हारी जो है मैं करवा तो दूंगा सारी, तो ये जो अपने कर लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट 8 जो 8वीं स्कीम जो है वो हमारी है नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड. ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड द नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड 19 फरवरी 2009 के अंदर जो है ये बोर्ड इस्टेब्लिश किया गया था. द बोर्ड इज एन ऑटोनोमस बॉडी है, वुड इनिशियली बी फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर 3 years एंड वुड बी मैनेज बाय द इंडस्ट्री इट्सेल्फ. द बोर्ड हैज 90 मेंबर इंक्लूडिंग CEO ऑफ द बोर्ड एंड चेयरमैन इज फ्रॉम द इंडस्ट्री. ओके, this industry driven institution has been launched to work as a national hub for addressing all key issues related to meat and poultry processing sector for the systematic and proper development of these sector. theek hai, the board serve as a single window service provider of producer manufacturer and exporter of meat and meat product. theek hai, for promoting the meat industry as a whole and it would result in large number of employment opportunity hoti hai. सम ऑफ मेजर अचीवमेंट है बोर्ड की लास्ट 2.5 ईयर के अंदर इस्टेब्लिशिंग ए वर्ल्ड क्लास मीट प्रोसेसिंग टेस्टिंग लैब. ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट वर्ल्ड क्लास जो मीट प्रोसेस प्रोडक्ट टेस्टिंग लैब बनाने के लिए. सेकंड है कंडक्टिंग नियरली 41 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम है एवरी ईयर फॉर मीट वर्कर के लिए. 40 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम ये करते हैं, 41 डेज का. डेवलपिंग ए मॉडल ऑफ ए मॉडर्न मीट शॉप, तो उसका क्या मॉडल होना चाहिए उस पर भी ये वर्कशॉप वगैरह करते हैं. अरेंजिंग 2 नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड 5 एक्सपर्ट मीट्स हैं.
ये भी हर साल अपने की जाती है। कौन करता है? नेशनल मीट एंड पोल्ट्री प्रोसेसिंग बोर्ड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ग्रेप बोर्ड, ठीक है। ग्रेप्स बोर्ड की अपने बात कर रहे हैं, तो ग्रेप्स बोर्ड कौन सा है, ठीक है, ग्रेप बोर्ड, इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड है। द यूनियन गवर्नमेंट इन 2009 गेव इट्स अप्रूवल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन ग्रेप प्रोसेसिंग बोर्ड, ठीक है, एट पुणे, पुणे के अंदर इसे एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। महाराष्ट्र विच इज़ क्लोज टू द प्रिंसिपल ग्रेप ग्रोइंग एंड प्रोसेसिंग एरिया इन द कंट्री। द 15 मेंबर बोर्ड दैट लीड बाय द एमिनेंट प्रोफेशन फॉर द इंडस्ट्री हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1816 एट पुणे, ठीक है। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोर्ड आर एज अंडर, ठीक है, द फोकस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन एंड क्वालिटी अपग्रेडेशन, मार्केट रिसर्च, इंफॉर्मेशन एंड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्रमोशन ऑफ इंडियंस वाइन, ओके, समझे। टू फोस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन वाइन इंडस्ट्री, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडियन वाइन इंडस्ट्री के अंदर होता है। टू फॉर्मुलेट ए विजन एक्शन प्लान फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन वाइन सेक्टर इंक्लूडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ क्वालिटी अपग्रेडेशन इन न्यू टेक्नोलॉजीज एंड प्रोसेसेस, ठीक है। ड्यूरिंग द टू ईयर ऑफ इट्स एक्साइटेंट द बोर्ड वाज फोकस ऑन द प्रमोशन ऑफ वाइन्स ऑफ इंडिया, ठीक है। जो बोर्ड ने क्या फोकस किया है, जो वाइन्स के प्रोडक्शन को, वाइन्स ऑफ इंडिया बनाना है भारत को, वाइन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब वाइन्स हब बने इन द डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट बाय पार्टिसिपेटिंग इन इंपॉर्टेंट एंड रिलीवेंट एग्जीबिशन है, फेयर्स है, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहे हैं, अंडरटेकिंग एडवोकेसी वर्क विद द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज ऑन द वेरियस इशू रिलेटेड टू टैक्स लेवीज एंड प्रमोशनल एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो ये स्कीम थी। नेक्स्ट स्कीम है अपनी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है, NIFTEM, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, ठीक है। तो स्कीम की अपने बात करते हैं। द गवर्नमेंट इज 2006 अप्रूविंग सिटिंग पे NIFTEM इज एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 244.60 करोड़ इंक्लूडिंग फॉरन एक्सचेंज कंपोनेंट विद हाउस में US का $8.1 मिलियन, ओके। फर्दर गवर्नमेंट इन अप्रैल 2011 अप्रूव रिवीजन ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप, ठीक है, इसको 244 से 479.94 मतलब लगभग 480 करोड़ इसका एस्टिमेशन कर दिया, इसका बजट बढ़ा दिया। सिंस द लीगल स्टेटस ऑफ NIFTEM एज ए कंपनी वाज क्रिएटिंग हर्डल्स का मतलब जो उसके अंदर बाधाएं आ रही हैं इन ऑब्टेनिंग स्टेटरी रिकग्निशन इन एज ए डिम्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम UGC फॉर रनिंग इट्स अकेडमिक कोर्स एंड गवर्नमेंट एज अप्रूव, ठीक है। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए UGC ने एक डिम्ड यूनिवर्सिटी भी बनाई और उसके अंदर कुछ कोर्सेज बनाए, जैसे रजिस्ट्रेशन NIFTEM एज ए सोसाइटी है, ट्रांसफर ऑल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज फ्रॉम द कंपनी टू द सोसाइटी, वाइंडिंग अप ऑफ NIFTEM कंपनीज, ठीक है। तो कुछ कोर्सेज भी उन्होंने अप्रूव किए। इन परस्यूअंस ऑफ अबव डिसीजन NIFTEM सोसाइटी हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटिंग एन 19 मई 2010, ठीक है, इट्स असेट्स एंड लाइबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर फ्रॉम द कंपनी टू द सोसाइटी को कर दिया था 11/11/2010 को। द वाइंडिंग अप प्रोसेस ऑफ द कंपनी हैज़ बीन इनिशिएटेड, ओके, ठीक है, इसको छोड़ दो, मैंडेट क्या क्या हैं और हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपना स्किल डेवलपमेंट शॉर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, तो इसको अपने कर लेते हैं थोड़ा सा। NIFTEM स्टार्टेड है इट्स एक्टिविटी अंडर स्किल डेवलपमेंट बाय कंडक्टिंग शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम 20-21 जनवरी 2011 एंड 90-21 सितंबर 2011 के अंदर किया था, ठीक है। आउटरीच प्रोग्राम क्या क्या है, NIFTEM हैज आल्सो कंडक्टिंग नियरली 20 आउटरीच प्रोग्राम, ठीक है, 20 आउटरीच प्रोग्राम एवरी ईयर करवाते हैं ये ऑल ओवर द कंट्री, पूरी कंट्री के अंदर विद द हेल्प इज़ द नॉलेज पार्टनर, नॉलेज पार्टनर के साथ इसको कंडक्ट कराते हैं ताकि लोग जो हैं इस नॉलेज को ले पाएँ और जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्किल्स हैं उसको अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है। ये आपकी स्कीम होगी। ए स्कीम आपकी बच रही है संपदा, ठीक है, संपदा स्कीम में आजकल काफ़ी चर्चा में है, एग्रो प्रोसेसिंग एंड मेनिन फूड प्रोडक्ट की जो ये स्कीम है संपदा, तो ये मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है, जब भी आप स्कूल आओगे आपको लिखवा देंगे या मैं देखूंगा नोट्स बना के तुम्हें व्हाट्सएप पर या नोट्स होमवर्क में भेज दूंगा, ठीक है। तो ये स्कीम्स अपनी कंप्लीट हो गई हैं, कल अपने क्या है फिर नेक्स्ट टॉपिक कवर अप करेंगे, आज अपना ये जो फूड प्रोसेसिंग की स्कीम थी वो कंप्लीट हो गई, ओके।
थैंक यू एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ़।